So starting from the airway management, before this, I have nothing to declare, no conflict of interest. So fundamentals of airway management. So when you have decided that you have to intubate a patient, आपको COVID-19 patient को intubate करना है, indications बहुत सारी आपसे डॉक्टर फैसल खान ने discuss की होंगी. So the most important thing जो इसके अंदर जो airway management में हमारा जो aim होगा, वो ये होगा कि safe, accurate and swift. So safe for staff and patient. एक्यूरेट वो टेक्निक्स या वो रिलायबल टेक्निक्स यूज करनी है, और अनरिलायबल अनफेमिलियर टेक्निक्स को अवॉइड करना है, ताकि हमारी मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो. और स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब है कि टाइमली. सो वी शुड बी डूइंग इंट्यूबेशन टाइमली विदाउट रश और डिले. सो टाइमली मीन्स यू हैव डिसाइडेड टाइमली दैट दिस पेशेंट नीड्स इंट्यूबेशन. सो एज वी नो के एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर, ये टर्मिनोलॉजी इस दफा बहुत ज्यादा सारे के सारे लिटरेचर के अंदर और गाइडलाइंस के अंदर आई है. और एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स में इफ यू से द हाईएस्ट रिस्क विद द एरोसोल जनरेशन इज विद द ट्रेकियल इंट्यूबेशन. सो ट्रेकियल इंट्यूबेशन फ्रॉम द डिसेंडिंग, इफ यू गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ट्रेकियल इंट्यूबेशन, ट्रेकियोस्टोमी, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मास्क वेंटिलेशन, फेस मास्क वेंटिलेशन, ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि हाई एरोसोल जनरेट करते हैं. और जब हाई एरोसोल जनरेट करते हैं तो इसमें वायरल ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेशेंट टू द हेल्थ केयर वर्कर इज वेरी हाई. देर आर अदर प्रोसीजर्स विच आर डिसकनेक्शन ऑफ वेंटिलेटरी सर्किट्स ड्यूरिंग यूज, एक्सट्यूबेट जब आप करने लगे होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन बिफोर ट्रेकियल इंट्यूबेशन, ब्रोंकोस्कोपी एंड ट्रेकियल सक्शन विदाउट अ क्लोज इनलाइन सिस्टम. सो दीज आर द अदर प्रोसीजर्स वेयर एरोसोल जनरेशन इज हाई. We already learned, and we I think you have listened the indication. But what are the clinical features, cardinal clinical features, when you decide that your COVID-19 patients need for intubation? And the most important thing which you need to identify is the recognize the signs of threatened airway. And these are the signs as how you would identify. When you identify the breathlessness or respiratory distress by tachypnea, when the patient is having the increasing respiratory rate, he is unable to speak, he is agitated, he cannot lie down, he is using his accessory muscle, his or her accessory muscles, the patient is sweating, tachycardic, and in context to these symptoms, you also have to identify the hypoxemia, which is the oxygen saturation less than 90%. Or a PO2 FiO2 ratio of less than 150, but these should be present when you are giving already a supplemental oxygen via face mask at 8, 10, 15 liters per minute. Your patient is not responding to this oxygen. You are giving the non-invasive ventilation. Your patient is not responding to this non-invasive ventilation, and having all these symptoms, you may your patient require an intubation. So when you decided to intubate this patient, you have to prepare. And how you will prepare? आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे, हम टीम और इंडिविजुअल्स प्रिपरेशन करेंगे. टीम और इंडिविजुअल प्रिपरेशन के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूरा का पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है. मैं डॉनिंग और डॉफिंग के सीक्वेंस में और डॉनिंग और डॉफिंग की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आपको वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर करना है. और जो डॉनिंग और जो हम अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ आखान हॉस्पिटल में अपने तमाम पेशेंट्स में जिनको हम इंट्यूबेट कर रहे हैं, इंट्यूबेट करते हैं, उनमें जो गेयर हम अपना जो ले रहे हैं उसमें कैप और हेड कवर, लॉन्ग स्लीव सर्जिकल गाउन जो कि फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन होता है, N95 मास्क उन लोगों के लिए जो N95 मास्क फिट टेस्टेड हैं. इसके अलावा जो लोग बियर्डेड हैं उनके लिए स्पेशली अरेंज हनीवेल रेस्पिरेटर फिल्टर मास्क हैं. इसके अलावा जो है वो पेपर हुड्स भी अवेलेबल है, लेकिन N95 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्पिरेटर जो कि हमें इनके ट्रेकियल इंट्यूबेशन में पहनना है. डबल ग्लविंग इज इंपॉर्टेंट, आई प्रोटेक्शन में फेस शील्ड और गॉगल्स देने हैं और शू कवर्स पहनने हैं. सो इंट्यूबेट इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम. नेगेटिव प्रेशर रूम की बार बार बात आती है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया है और हाईलाइट भी किया है कि वेन एवर पॉसिबल एंड वी नो दैट वी आर लैकिंग, वी मीन्स एट द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, एट मेजर हॉस्पिटल्स, दीज नेगेटिव प्रेशर रूम्स आर लैकिंग. बट स्टिल वेन वी हैव इट, वी शुड इंट्यूबेट दीज पेशेंट्स इन नेगेटिव प्रेशर रूम.
Now, this is the area of concern, assessment of the patient's airway. As an anesthesiologist, we always assess and we know by the clinical judgment that this patient is likely to be difficult and this patient is having a safe airway, may have a safe airway management. But still, in this COVID-19, if you have a patient, still a limited evaluation is suggested, and this could be mostly based on clinical judgment. There are three tests which can be done easily from a distance, which is a social distance, or which is a 6 feet distance. This make a malamparty classification. Malamparty classification ke andar oropharyngeal structures ki mouth opening ke zariye oropharyngeal structures ki visibility ko dekha jata hai. Inter incisor distance ke liye degree of mouth opening ko dekha jata hai, aur neck extension jo ke jab hum laryngoscopy karte hain to hum oral, laryngeal aur pharyngeal axis jo ek line mein leke aate hain uske liye cervical spine ki mobility bahut important hai. Ye teen cheeze hum dekh sakte hain jo society, jo French ICUs ne ek score ko jo hai wo validate aur recommend kiya tha. Ye bahut zyada use nahi hota, but recently again jo UK guidelines abhi recently aayi hain, unhone bhi is MACOCA score ko jo hai wo recommend kiya hai, jiske andar malamparty agar 3 or 4 hai, obstructive sleep apnea hai, cervical spine movement ki limitation hai, mouth opening less than 3 cm hai, coma hai, hypoxemia hai jisme ke less than 80% oxygen saturation hai, or non-anesthetist intubator hai. These have different scores, and if you have a MACOCA score of greater than 3, then it means you should prepare for a difficult airway. You may contact a very senior or experienced anesthetist and prepare for difficulty. Next, the involve the smallest number of staff necessary, which is very important for team dynamics. If you have an inside of the room, there are all the guidelines, sari guidelines ye suggest kar rahi hai ke risk of aerosolization zyada hota hai, risk of transmission zyada hota hai, isliye aap 3 persons at least rakhein, sirf 3 persons, isse zyada involve na kare, wo person jo intubate kare, ek assistant jo cricoid force ya cricoid pressure lagaye, aur third person jo ki drugs aur monitors ko watch kare. Ek observer is also an important jo ki bahar outside of the room hona chahiye, jo ki ye jo ye observe kare ki hum infection control ke principles ko apply kar rahe hain, hum sara jo ki sara ka sara jo conduct andar kar rahe hain usko wo observe kare, and aur baad mein us team brief ke andar apna valid input de. So clear delineation of roles hone chahiye andar jaane se pehle room ke, clear communication of airway plan hona chahiye, jo bhi lead person hai wo sara plan batayega ke hame aise karna hai, hame kab dawa deni hai, kab cricoid pressure lagana hai. Ye sari cheeze us team leader ka, us intubator ka kaam hai ke wo sara ka sara communication kare is clear is plan ko. Then this is very, 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 very important. This has been recommended by almost all of the societies. Tamam duniya ki societies ne ye recommend kiya hai. Aap koi bhi literature, koi bhi guidelines jaake dekhiye, usme unhone likha hai ki the most appropriate airway clinician to intubate a COVID patient, COVID-19 patient, is should be the most experienced practitioner. It should be an ideally, it should be a consultant or a senior anesthesiologist, because hamara aim kya hai is intubation mein, wo aim ye hai ke hum safety, promptness aur reliability, taake we should achieve first pass success in our and do intubation in first attempt. This is the most important message to all of the people who are taking care of ICUs, jahan pe COVID patients hain jinko intubate karna hai. Rule number one ye hai ke do no harm. That means if you don't know the intubation, if you don't know the airway management, and if you don't know agar koi difficulty hoti hai aur predicted difficulty thi ya aapne usko identify nahi kiya, us difficulty ko deal karne ke liye aapko backup plan nahi pata tha, iska matlab ye hai to aapko wo techniques aur aapko wo agar aap trained nahi hain to aap nahi use karenge. Yes, others, junior anesthetists or intensivists, jaise jaise workload badhega, definitely consultants bhi exhaust honge ek point ke upar. So ultimately junior anesthetists or intensivists ka role yahan pe aayega, but they should be trained and they should be undercover. Okay, again, before going into the room, prepare your airway equipment and drugs before going into the room. Why?
this why these all being prepared outside the room. इसलिए कि problem ये है कि आप जितना time room में गुजारेंगे, how much the time you spend, the greater the time you spend in the room where the patient is, you get high risk of aerosolization, high risk of transmission. So all the equipment should be prepared outside the room. So अपना एक dump mat बना सकते हैं, एक आप उसकी एक basket बना सकते हैं, जिसके अंदर आप ये सारे basic airway equipment आपके मौजूद होना चाहिए. तमाम सर्किट जो है वो मास्क के साथ और फिल्टर के साथ अटैच होने चाहिए. आपके पास लेरिंगोस्कोप्स, योंकर, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन दी इन दी नेट. ये प्रेजेंटेशन हमारे नेट के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल होगी, आप उसके जरिए इसमें सारा इक्विपमेंट देख सकते हैं. आइडिया ये है कि आपको ये चीजें आउटसाइड द रूम प्रिपेयर करनी है. इसी तरह सारी गाइडलाइंस ने जो है वो ट्रेकियल इंटुबेशन चेकलिस्ट को बहुत ज्यादा इंडिकेट किया है, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई किया है. दैट्स व्हाई वी आल्सो केम अप विद आर इंटुबेशन चेकलिस्ट. इन चेकलिस्ट व्हाई चेकलिस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एड प्रिपेयर्डनेस. It is checked before entering the patient room. So you have all the equipment, you have done everything, you prepare for the difficulty, you prepare for the normal. So you have a checklist, you will go into the room. So having all these gadgets available, then it is also advised that a COVID intubation, a dedicated COVID intubation basket or a COVID intubation trolley should be prepared, so that the only most of the disposable equipment should be used, single use, ताके वो वहीं के वहीं use हो और वो वहाँ biohazards bag के अंदर या ziplock bag हो वहाँ पे room के अंदर, जब वो disposable equipment use हो जाए तो फिर आप उसको जो है उसके अंदर डाल दें, ताकि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू अदर पर्सनल कम से कम हो. एनेस्थेटिक और एयरवे टेक्निक जो ट्रेकियल इंट्यूबेशन, व्हेनेवर व्हेन यू गो इनटू द रूम, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, जिसकी टोन ऑडिबल होनी चाहिए, तमाम अलार्म्स की, तमाम टोन्स की, पल्स ऑक्सीमेट्री ईसीजी की, ताकि आपको आवाज जिसके साथ आपके ईयर सेंसिटाइज हैं, आपको पता हो कि कब वो ड्रॉप हो रही है, तो टोन ऑडिबल जरूर होनी चाहिए. इंट्रावीनस एक्सेस चेक्ड होनी चाहिए और कनेक्टेड विद फ्लूइड, व्हाटएवर फ्लूइड इज अवेलेबल, नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगर्स लैक्टेट, देन ऑप्टिमाइज एंड पेशेंट एंड बेड पोजिशन. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज के अब बहुत सारी लोग और हम खुद भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंट्यूबेट करने के लिए 15-30 degree बेड हेड अप करना चाहिए बेड का. जो चीज इस बात से एक्सपीरियंस से और लिटरेचर से सामने आई है कि इस पोजीशन के अंदर या पेशेंट की हाइपोक्सीमिया, यानी ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एंड आफ्टर इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन का ड्रॉप बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता जब आप हेड अप पोजीशन के अंदर इंट्यूबेट करते हैं. अगर आपको ये आता है तो आप हेड अप पोजीशन में कीजिए. अगर आप सुपाइन रख के करने के आदि हैं और उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई है तो आप उसी तरीके से कीजिए. लेकिन ये रिकमेंडेशंस हैं विद ऑल ऑफ दी सोसाइटीज के हेड अप पोजीशन में ऑप्टिमाइज पेशेंट को हेड एंड तक लेके आए. नाउ द इम्पॉर्टेंट थे, एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जो गाइडलाइंस और हमने जो इस प्रेजेंटेशन में आपको बताना है वो ये कि टाइट फिटिंग मास्क विद टू हैंड ग्रिप टू मिनिमाइज लीक. इसमें क्या है कि जो सी एंड ई टेक्निक की जगह नाउ द वी आर रिकमेंडिंग एंड ऑल ऑफ द सोसाइटी इज रिकमेंडिंग अ वी एंड ई टेक्निक, जिसमें कि आप मास्क को इस तरीके से पकड़ेंगे कि वो पूरा का पूरा कवर हो, आपके पूरे हाथ और उसके ऊपर मास्क के ऊपर हो, ताकि लीक होने का, गैस फ्लो का लीक होने का कोई चांस ना हो. 100% ऑक्सीजन देंगे फॉर 3-5 minutes, प्री ऑक्सीजनेट करेंगे बिफोर इंट्यूबेशन विद अ टाइट फिटिंग मास्क एंड टू हैंड टेक्निक, एंड देन यूज लोएस्ट गैस फ्लोज टू मेंटेन ऑक्सीजनेशन, बिकॉज व्हेन यू गो हाई फ्लो, अगेन हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन की बहुत बात हो रही है, हाई फ्लोज की बहुत बात हो रही है, लेकिन हाई फ्लो अगेन जैसे डॉक्टर फैसल खान ने एक्सप्लेन किया था कि हाई फ्लो का प्रॉब्लम ये होता है कि एरोसोलाइजेशन का रिस्क बढ़ता है. मेपलसन सी सर्किट विद HME फिल्टर बिटवीन द कैथेटर माउंट एंड द सर्किट होना चाहिए. Then always perform a rapid sequence induction. Rapid sequence induction is a way of induction and intubation in which you give drugs, you give hypnotic, you give muscle relaxant, you put cricoid pressure and you intubate within a minute of these giving these drugs.
And the why rapid sequence induction and intubation is important and indicated in these, again, to avoid manual bag mask ventilation. Or agar hum yaad rakhein ki hamari pichli slide ke andar bag mask ventilation fourth number pe tha, jo ke risk of aerosolization aerosol generating procedure mein aata hai. So rapid sequence induction is the choice of induction and intubation. Ensure complete muscle paralysis to avoid cuffing and bucking, so that the dose should be adequate of the muscle relaxant. Rapid sequence induction with cricoid pressure is important. These are the just suggested. These sequence is suggest is a suggestion. You are the prime practitioner at the time. You know ke is waqt kya hemodynamics hain, is waqt kya issues hain. हम सजेस्ट कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जिसमें आप इंडक्शन के लिए दे सकते हैं, पेशेंट को बेहोश करने के लिए ट्यूब इंटुबेट करने के लिए दे सकते हैं, उसमें मिडाजोलाम 1 to 2 milligram विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोफॉल फॉर 1 to 2 milligram पर केजी एंड सक्सिनाइल कोलीन विद 1.5 एंड इवन 2 milligram पर केजी इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय वन सोसाइटी, अगेन टू अवॉइड कफिंग एंड बकिंग. और you may give ketamine 1 to 2 milligram per kg, propofol 1 to 2 milligram per kg and succinylcholine. Ketamine ko wahan bahut importantly logo ne discuss kiya aur recommend kiya hai jahan pe ke hemodynamics thodi si compromise hai, to aap propofol ki dose ko kam kar sakte hain aur ketamine ki dose ko use kar sakte hain is cheez ke liye. So idea ye hai ki dono dawa se aap rapid unconsciousness achieve karenge and minimal interruption of hemodynamics hogi. Atracurium 30 milligram or cis atracurium 10 milligram immediately after intubation. Now for laryngoscopy and first intubation attempt, we know ke hamare paas video laryngoscopes bahut sare hospitals mein available nahi hai, lekin jo choice hai, jo recommendation hai, first pass success ki, immediate first attempt ki, successful intubation ki, wo video laryngoscope with disposable blade is recommended hai. अगर डिस्पोजेबल वीडियो लैरिंगोस्कोप नहीं है अवेलेबल, आपके पास कन्वेंशनल मैकिंटोश लैरिंगोस्कोप है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डिस्पोजेबल ब्लेड यूज करें. अगर ये भी नहीं है तो ऑफ कोर्स थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे लोकल सिनेरियो में वो हमारी फर्स्ट चॉइस ही होगा, जिसमें कि हम मैकिंटोश लैरिंगोस्कोप विद रेगुलर ब्लेड यूज करेंगे. सो अगेन वो टेक्निक यूज करें अगर आपको आती हैं या आप इसमें ट्रेंड हैं. अगर नहीं ट्रेंड हैं तो मत यूज कीजिए, वो यूज कीजिए जो आपको आता है. एनेस्थेटिक और एयरवे टेक्निक फॉर ट्रेकियल इंटुबेशन, अगेन इंटुबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज जो रिकमेंडेड है वो 7.5 टू 8 फॉर मेल्स एंड 7 टू 7.5 फॉर फीमेल्स. पहले आप कफ फुली इन्फ्लेट करेंगे, फिर सर्किट कनेक्ट करेंगे ईटीटी को, एंडोट्रेकियल ट्यूब को, एंड देन आप बैगिंग स्टार्ट कर सकते हैं. यू शुड नॉट बैगिंग स्टार्ट बैगिंग बिफोर इन्फ्लेटिंग दी कफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू मेक दी सर्किट सील. कंफर्मेशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट कैन बी डन बाय कंटिन्यूस वेव फॉर्म कैपनोग्राफी या CO2 डिटेक्टर्स होते हैं जो कि कैलोरीमीट्री टेक्निक के ऊपर, कैलोरीमीट्री प्रिंसिपल पे काम करते हैं. बायलैटरल चेस्ट ट्रायल, बट the very important message, avoid chest auscultation by stethoscope. Stethoscope get dirty, stethoscope can carry the viral transmission, so do not. This is recommended by almost all of the societies that do not use the stethoscope for chest auscultation, because you go near to the patient, you go more near to the patient, and stethoscopes can be taken, can take virus out of the room. Then airway, avoid unnecessary circuit disconnections, and if you need to do a circuit disconnection, you need a PPE for circuit disconnection. Management after intubation, dispose करेंगे, decontamination करेंगे तमाम disposable items को, biohazard bag में या zip lock bag के अंदर रखेंगे, तमाम reusable equipment को clean और disinfect करेंगे according to the institutional policy or manufacturer's instruction. Strict adherence to proper degowning, yani doffing ke structure press steps karenge, hand hygiene karenge, and then we should all after intubation a team debriefing is a good idea to see ke humne kya galtiyan ki aur kya galtiyan nahi ki. इसके अलावा जो ट्रबल शूटिंग हो सकती है कि जब आपने मॉनिटर कफ एयरवे प्रेशर का, जो कफ का प्रेशर है उसको मॉनिटर करें ताकि एयर लीक ना हो. मॉनिटर और रिकॉर्ड करें ट्रेकियल ट्यूब डेप्थ एट एवरी शिफ्ट, ताकि आपको पता हो कि ट्रेकियल ट्यूब बाहर तो नहीं आ गई है, लीक तो नहीं हो रहा है.
क्लोज ट्रेकियल सक्शन मैंडेटरी है जहां पर अवेलेबल हो. उसकी वजह वही है कि एरोसोलाइजेशन का रिस्क कम हो जाएगा. एयरवे इंटरवेंशन अगर आपने अपने मरीज में करनी है, जिसमें आपने फिजियोथेरेपी, बैगिंग करनी है, ट्रांसफर करना है, प्रोनिंग, डी प्रोनिंग करना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब की रीपोजिशनिंग करनी है, तो अगर इसमें से कोई भी चीज सर्किट डिसकनेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आप पैरालिसिस दे सकते हैं, आप वेंटिलेटर को पॉज कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं सर्किट को विद HME स्टिल अटैच टू दी पेशेंट, जहां पे HME अटैच रहेगा और सर्किट वहां से डिसकनेक्ट होगा जहां HME पेशेंट को कैथेटर माउंट के साथ लगा हुआ होगा. सो ये एयरवे मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो हमें एक इमरजेंट और अर्जेंट इंट्यूबेशन जो हमें कोविड ICU या हमें कोविड पेशेंट के लिए करनी है. नेक्स्ट जो टॉपिक जो डायरेक्टर कोर्स डायरेक्टर्स की तरफ से था वो था रेडियोलॉजी ऑफ लाइंस एंड ट्यूब्स ऑन चेस्ट एक्सरे. इन द पोस्टर इट सेज दैट रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, बट जो ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास आए थे उनमें हमें लाइंस और ट्यूब्स को देखना था चेस्ट एक्सरे के ऊपर. सो एंडोट्रेकियल ट्यूब की पोजीशन देखने के लिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स जो होती हैं उसमें ज्यादातर ट्यूब्स के अंदर एक ब्लू लाइन होती है और ये ब्लू लाइन जो है वो एक रेडियोग्राफिक रेडियो ओपेक होती है. दिस इज अ रेडियोग्राफिक असेसमेंट ऑफ ट्यूब पोजिशन एंड इट इज बेस्ड ऑन विजुअलाइजिंग द रेडियो ओपेक लाइन. So it is the acceptable position of the endotracheal tube should be 4 to 5 centimeter above the carina. So carina ko identify karna kabhi kabar mushkil hota hai agar x-ray ki quality achhi na ho. Isliye important ye hai kyunki agar tube right side ke upar zyada gayi hui hai, right endobronchial intubation hui hui hai, to you may find a left होल लंग कोलैप्स और उसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर फर्दर हाइपोक्सीमिया वर्सन हो सकता है. इसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पोजीशन है जो आप ट्यूब को देख सकते हैं कि वो वर्टिकली हो, मिड लाइन में हो, नियर द मिड लाइन हो, बिलो द लेवल ऑफ द कराइना हो, टिप ऑफ द ट्यूब जो है वो नीचे से होती हुई डायफ्राम से और वो स्टमक में जा रही हो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन के. देन चेस्ट ट्यूब जो कि न्यूमोथोरैक्स के लिए डालते हैं उसमें चेस्ट ड्रेन ट्रीटमेंट है फॉर न्यूमोथोरैक्स. अ लार्ज चेस्ट ड्रेन इज पोजीशन जिसकी टिप जो है वो पॉइंटिंग होनी चाहिए सुपीरियरली विद द प्लूरल कैविटी, व्हाइल इफ यू आर ड्रेनिंग इफ यू आर पुटिंग फॉर अ प्लूरल इफ्यूजन इट शुड गो टुवर्ड्स डाउन यानी बेस की तरफ जाना चाहिए इस चेस्ट ट्यूब को. नेक्स्ट दी सेंट्रल वीनस कैथेटर्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो कहाँ होनी चाहिए. COVID-19 कोविड पेशेंट के अंदर CVP अगर आप करते हैं तो जाहिर बात है आप वैसे ही एक हाई रिस्क प्रोसीजर कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप एक्सरे पे उसकी टिप को आइडेंटिफाई करते हैं. टिप जो होनी चाहिए वो एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा एंड द राइट एट्रियम होनी चाहिए. इट शुड बी 1.5 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द कराइना. दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर राइट साइडेड कैथेटर्स फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग. इशू ये है कि आपने एक दफा जब एक्सरे कराया और अगर ये अंदर गई हुई है, थोड़ी सी ज्यादा अंदर है, तो आप इसको कुछ देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अगेन आपको बहुत ज्यादा रिस्क होगा अगेन एक नया प्रोसीजर करने का और उसके लिए. लेकिन आइडियल पोजिशन हमें इस तरह से आइडेंटिफाई करनी है. जो राइट साइडेड कैथेटर्स है वो अगेन सबक्लेवियन कैथेटर है. आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, यू कैन सी अ राइट सबक्लेवियन कैथेटर विच इज कमिंग फ्रॉम द बिलो द लेवल ऑफ द क्लेविकल. द डिस्टल कैथेटर इज ओरिएंटेड वर्टिकली, द टिप इज लोकेटेड 1 centimeter बिलो द अबव द लेवल ऑफ द कराइना. नाउ दीज आर द ऑल अबाउट द लुकिंग एट द ट्यूब्स, एंडोट्रेकियल ट्यूब पोजिशनिंग, चेस्ट ट्यूब्स, दीज आर द पोजिशन ऑफ द कैथेटर्स. Now the basics of arterial blood gas. Now arterial blood gas, ABGs, we all know everything is dependent. The ventilation, we assess ABGs for hemodynamics. We assess ABGs के हमारे patient के अंदर acid base status क्या है. उसकी वजह से ABGs की वजह से आप ABGs की interpretation इम्पॉर्टेंट होती है कि आप ये जान सकें कि आपके पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है जिसकी वजह से आप उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं. अगर हम बेसिक भी इफ वी टॉक अबाउट बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ एसिड बेस सिस्टम, सो एसिड बेस्ड सिस्टम और एसिड बेस सिस्टम किन चीजों पे काम करता है, वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी एंड द बायोकार्बोनेट की जो लेवल्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर एसिड बेस सिस्टम काम करता है. pH जो कि हम जब भी ABGs देखते हैं तो सबसे पहले हमें pH नजर आती है. pH इज अ लॉगरिथमिक स्केल विच एक्सप्रेस द एसिडिटी
or alkalinity of a solution based on the concentration of hydrogen ions. हमारे जिस्म में जो ये दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि एसिड बेस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं वो लंग्स और किडनीज हैं. लंग्स CO2 के जरिए जो कि एक एसिड है और किडनीज बाइकार्बोनेट के जरिए जो कि एक बेस है. इसकी बेसिस के ऊपर इस ये दोनों मेजर ऑर्गन्स हमारे जिस्म में एसिड बेस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. जब कभी भी आप एबीजीज देखते हैं तो एबीजीज के नॉर्मल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए जिसमें कि पीएच 7.35 से 7.45 है. पीसीओ2 जो है वो 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑन यूजुअली ऑन रूम एयर. पीसीओ2 इज यूजुअली 40. हम 40 अपना बेंचमार्क रखते हैं तो नॉर्मल. वैसे 35 टू 45 इसकी बेसलाइन यानी इसकी एवरेज वैल्यू है. बाइकार्बोनेट इज 20 टू 26. सम लेबोरेटरी आल्सो से 22 टू 25. Base excess is minus 2 to plus 2.5 to plus 2.5 और oxygen saturation 95 to 100%. So, जब कभी भी ABGs आएंगी तो ABGs को interpret करने का एक 6-step approach है और उसके 6-step approach के अंदर the step 1 यह है कि क्या ये ABGs की report जो आपके हाथ में है क्या ये इस patient से match करती है और क्या इसकी internal consistency सही है जो कि हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन की बेस पे आप निकाल सकते हैं. एक टेबल है जिसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि अगर जिस्म में पीएच ये हो 7.2 हो 7.1 हो 7.5 हो तो बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एक कैलकुलेशन के जरिए देखी गई है कि बॉडी में उतनी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए. अगर आपके पेशेंट की पीएच आ रही है 7.2 और आप उसको इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करके देखते हैं और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ रही है कहीं उसके ऊपर तकरीबन 25 और 32 के ऊपर. सो दैट मींस कि ये एबीजीज की रिपोर्ट मेरे पेशेंट के साथ मैच नहीं करती या इस एबीजीज का सैंपल जो है वो इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी वैलिड नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे कि प्राइमरी प्रोसेस क्या है यानी इस एबीजीज के पीएच की बेस पे आप क्या कहेंगे कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है. जब कभी भी पीएच 7.35 से नीचे होगी इट इज एन एसिडोसिस. जब कभी भी पीएच 7.45 से ऊपर होगी इट इज एन अल्कलोसिस. सो प्राइमरी प्रोसेस ये डिटरमिन करता है कि पीएच की डायरेक्शन में चेंज क्या है. थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि इज द डिस्टर्बेंस रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक क्योंकि दो ही तरह के डिसऑर्डर्स होंगे या तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे. और हम कैसे देखेंगे कि जो पीएच की चेंज हो रही है उसमें उसकी डायरेक्शन में चेंज पीसीओ2 में कैसे हो रहा है. जब भी प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे पीएच और पीएसीओ2 की जो चेंज होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. मैं ये आपको आगे और फर्दर एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा. और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे तो पीएच और पीएसीओ2 यानी पीसीओ2 जो आपके एबीजीज में आया है वो एक डायरेक्शन में चेंज होंगे. इस चार्ट से आप एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई एसिडोसिस है अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है यानी अगर आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखें तो पीएच उसमें डिक्रीज होगी और पीसीओ2 इंक्रीज होगा. इसी तरह आप अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इफ यू मॉनिटर इफ यू ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस द पीएच इज इंक्रीज व्हाइल पीएसीओ2 इज डिक्रीज. सो चेंज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. वहां पीएच नीचे है यहां पीसीओ2 ऊपर है. यहां रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच ऊपर है और पीसीओ2 नीचे है. अगर आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को देखें तो चेंज एक डायरेक्शन में हो रही है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस वेयर द पीएच इज डिक्रीज सो पीएसीओ2 इज डिक्रीज. मेटाबॉलिक अल्कलोसिस द पीएच इज इंक्रीज एंड द पीएसीओ2 इज इंक्रीज. फोर्थ स्टेप में वी विल सी कि क्या एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन हुई है जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस है. जो भी प्राइमरी डिस्टर्बेंस है उसकी एडिक्वेट कॉम्पनसेशन के लिए दीज आर वेरियस फॉर्मूलाज जिसके जरिए हम जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो हम ये देखेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉम्पनसेशन के अंदर चूंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है
बाइकार्बोनेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, उसके लिए PSU2 को मेटाबॉलिक कॉज में नीचे जाना चाहिए, तो PSU2 कितनी होनी चाहिए? सो PSU2 को कैलकुलेट करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन को देखने के लिए हमें इस फॉर्मूला से ये एक आइडिया होगा कि क्या PCO2 उतनी चेंज हुई है जो कि pH को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है। मैं इन फॉर्मूलाज की डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तमाम फॉर्मूलाज जो हैं वो बुक्स में अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, मेरी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ एबीजीज के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर करके। इसके बाद हम देखेंगे कि जब भी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस मौजूद होगा, जब भी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसमें के पीएच डिक्रीज्ड है, जिसमें के बाइकार्बोनेट कम है, जिसमें के पीसीओटू कम है, आपको एनायन गैप देखना होगा। एनायन गैप वो मेजरमेंट है जिसमें दीज आर द मेजरमेंट ऑफ अदर अनमेजर्ड कैटायंस एंड एनायंस। एनायन गैप देखने के लिए यूजली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए और इन इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मूला यह है कि सोडियम को आप माइनस करेंगे विद क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। नॉर्मल एनायन गैप इज 12+2, यूजली 12-15 इज नॉर्मल एनायन गैप। नॉर्मल सो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एनायन गैप, बिकॉज इन सर्टेन सिचुएशंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, जिसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के कोई बहुत ज्यादा एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसमें कुछ और वजूहात की वजह से एसिडोसिस हो सकता है, इसलिए एनायन गैप कैलकुलेट करना जरूरी है। फिफ्थ स्टेप के अंदर ही हम ये भी देखते हैं, इस स्टेप को मैं स्किप करता हूं, हम सिर्फ स्टिक करते हैं एनायन गैप तक। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेस, जो आपके कॉमनेस्ट एसिड बेस डिसऑर्डर्स जो नॉर्मल आपकी रूटीन प्रैक्टिस में आईसीयू में मिलते हैं, उनमें चार टाइप्स हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये बात याद रखें, वी ऑल शुड नो, वी ऑल शुड बी अवेयर, वेन एवर देयर इज अ मेटाबॉलिक, हम बात कर रहे हैं, हम किसी कॉम्प्लेक्स और मिक्स डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रूटीन नॉर्मल डिसऑर्डर्स जो एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें के पीएच, इफ द पीएच इज डिक्रीज, द प्राइमरी प्रॉब्लम इज अ डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट एंड द कॉम्पनसेशन शुड बी अ डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। इफ देयर इज अ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, pH increase होगी, the primary problem is a retaining of bicarbonate in the body and the compensation, चूंकि bicarbonate एक base है, base बढ़ रहा है, तो base को compensate करने के लिए acidity, एक acid को बढ़ना होगा और वो lungs के जरिए CO2 की compensation होगी। इसी तरह अगर respiratory acidosis है, जिसमें pH acidosis का मतलब है कि pH नीचे है, pH decreased है, primary problem pH CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ने की वजह से bicarbonate in compensation बढ़ेगा। respiratory alkalosis है, hyperventilation हो रही है, pH बढ़ रही है, primary problem यह है कि patient hyperventilate करके अपना CO2 blow out कर रहा है, CO2 wash out कर रहा है, उसकी compensation यह होगी कि bicarbonate उसके compensation में जिस्म से बाहर जाएगा, तो alkalosis को compensate करेगा। If we sixth step के अंदर एक और important step है जिसमें आपने oxygenation assess करनी है, हमारे पास एक value PO2 की है। यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी arterial blood gas का sample होता है तो उसमें तीन चीजें जो है वो measured होती हैं, जिसमें के pH, जिसमें के PCO2 और जिसमें के PO2। इसके अलावा जो चीजें हैं वो calculated होती हैं। So, ऑक्सीजनेशन असेस करने के लिए हम PO2 FiO2 रेशियो देखते हैं। PO2 FiO2 रेशियो का मतलब ये है कि अगर आपके पेशेंट की ABGs में PO2 100 आया है और पेशेंट ब्रीथ कर रहा है स्पॉन्टेनियसली किसी फेस मास्क वेंट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के साथ, तो फेस मास्क ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन आप चाहे 10 लीटर भी ऑक्सीजन दे रहे होंगे, उसकी मैक्सिमम FiO2 0.45 से 0.6 तक होगी और आप उसके जरिए एटलीस्ट उसमें एवरेजली आप उसको देखेंगे कि उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट मींस के 0.5 FiO2 के ऊपर 200 का PO2 FiO2 रेशियो है, जिसका मतलब यह है कि आपका पेशेंट इस वक्त मॉडरेट ARDS के अंदर है, मॉडरेट एक्यूट लंग इंजरी के अंदर है। अब हम कुछ केस एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक 65 ईयर ओल्ड लेडी, डायबिटिक लेडी, व्हिच इज एडमिटेड फॉर एक्यूट एब्डोमिनल पेन फॉलोइंग 24 आवर्स ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग, शी इज प्लान्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोडमी, हर डायबिटीज इज कंट्रोल्ड ऑन सम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड यू हैव दीज ABGs 7.20, 25.3, 70.3, 16 is the bicarbonate, minus 6.4, 95.
The electrolytes are on your screen. Sodium is 132, potassium is 5, and bicarbonate. Now the most important thing, जो हम जब भी interpret करेंगे ABGs को, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या ये ABGs internally consistent हैं? अगर formula में values को put करें, तो जो hydrogen ion concentration आ रही है, वो 37 है, जो कि इस 7.20 की pH के साथ consistent नहीं है. So इसका मतलब ये है कि ये ABGs की internal consistency valid नहीं है. Performed again इसी मरीज की दोबारा ABGs की गई जिसकी pH 7.29, 30 का PCO2, 70.3 का PO2, 15 का bicarb, -6.4 का base deficit. अब इसको कैलकुलेट किया तो यस, जो pH है और जो उस फॉर्मूला से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो नियर टू दी अप्रोप्रिएट टेबल है. सो इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहला ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि प्राइमरी डिसऑर्डर क्या है. तो pH 7.35 से कम है, सो प्राइमरी डिसऑर्डर एसिडोसिस है. डिस्टर्बेंस क्या है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है. अगर हम देखें तो बाइकार्बोनेट 15 है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बाइकार्बोनेट 16 था. इसका मतलब यह है कि प्राइमरी डिस्टरबेंस मेटाबॉलिक है. सो इसके बाद हम एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन देखें तो इस बाइकार्बोनेट के डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि जिस्म में कोई एसिड बढ़ा है उसकी वजह से बाइकार्बोनेट कम हुआ है, इस बाइकार्बोनेट और पीएच को कॉम्पनसेट करने के लिए PCO2 को नीचे जाना चाहिए. उस PCO2 को नीचे जाने के लिए जब हम फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज देखेंगे तो वो 30 आ रही है. इसका मतलब यह है कि PCO2 नीचे तो गई है कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन अभी उसने पूरी तरह से कॉम्पनसेट नहीं किया है. एक और इंपॉर्टेंट बात हमेशा ये याद रखिए कि जब भी हम ABGs की इंटरप्रिटेशन करते हैं और ABGs देखते हैं, कभी भी प्राइमरी डिसऑर्डर कंप्लीटली कॉम्पनसेट नहीं होता बाय द बॉडी. इट विल कम टू नियर नॉर्मल, पीएच विल कम नियर नॉर्मल टू 7.35, 7.34, बट इट विल नॉट कंप्लीटली नॉर्मलाइज द पीएच, क्योंकि ये इसके अंदर हो नहीं सकता. इसके बाद अगर हम एनायन गैप देखें तो इस एनायन गैप के जरिए जो वैल्यूज हैं उसमें इसका एनायन गैप 19 आ रहा है. दैट मींस के इसकी जो हाई एनायन गैप है, और अगर हम इस केस एग्जांपल की इंटरप्रिटेशन देखें तो ये हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है. अगर एक और एग्जांपल देखें, 64 ईयर ओल्ड जेंटलमैन विद अ हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी, पीएच है 7.21, पीसीओ2 है 64, पीओ2 है 62, बाइकार्बोनेट है 29 और बेस डेफिसिट बेस एक्सेस है +4. So other values within normal range. So again, what is the primary disorder? It's an acidosis. Why? The pH is decreased below 7.35. What is the disturbance, respiratory or metabolic? You can see that the PCO2 is 64. So it's a respiratory disorder. What is the relationship between direct of change in pH and PCO2? Opposite. Agar aap pH dekhen, to 7.21 hai, respiratory disorder hai, PCO2 increase hua hai. Is there appropriate compensation? Appropriate compensation nazar nahi aa rahi. Diagnosis, uncompensated respiratory acidosis. Next, ek aur example, 67 year old man jiski history of peptic ulcer disease hai aur jo ki present hua hai with persistent vomiting. Iski ABGs ko agar dekhen to 7.56 pH, 40 PCO2, 80 PO2, 31 bicarb, +5 base excess and 95% on room air. So what is the primary disorder? इसमें अगर primary disorder देखें तो alkalosis. Why I am saying alkalosis? Because the pH is higher than 7.45. We know when the pH has higher from 7.45, it is alkalosis. What is the relationship between direction of change in pH and PCO2? It is the metabolic. The primary disturbance is metabolic because आप अगर बाइकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो नॉर्मल बाइकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन 20 टू 25 होती है, यहां बाइकार्ब 31 है, जबकि PCO2 नॉर्मल रेंज के अंदर है. सो ये डिस्टरबेंस प्राइमरी मेटाबॉलिक है. रिलेशनशिप क्या है डायरेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पीएच एंड PCO2? इट इज द सेम. आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है क्योंकि पीएच 7.56 है, तो जो PCO2 है वो नीचे नहीं हुई है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं गई है, वो अपनी जगह नॉर्मल रेंज में है, 40 की है. सो एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन के लिए अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला के जरिए
जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की थी उसके जरिए इसमें अभी तक अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन नहीं हुई है, जिसके जरिए हम इसकी डायग्नोसिस ये बनाएंगे कि ये अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है. सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स अवेलेबल, इफ यू कैन रीड इट यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू इंटरप्रेट योर एबीजीज. क्लिनिकल कोरिलेशन इज ऑलवेज एडवाइज जब भी आप अपने पेशेंट को देखेंगे, एबीजीज को देखेंगे और एबीजीज के रिजल्ट्स को देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग. Thank you, Dr. Faisal, for very nice presentation on very essential topic of airway management in COVID, which is one of the most infectious process for the persons involved. There are many questions. We'll select few. One question is, in COVID-19 patient, can we use suction catheter inserted in the oral cavity continuously while attempting to intubate for decreasing the aerosol generation process? So, aap agar hum जब टेक्निक यूज कर रहे हैं रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, तो हमारा मकसद यह है कि हम किसी भी किस्म का वहां पे कोई नेगेटिव प्रेशर, वो वहां पे कोई भी ऐसा सक्शन यूज करेंगे, आप डेफिनेटली सक्शन की वजह से भी एरोसोलाइजेशन होगी. मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूसरे प्रोसीजर्स देखें जिसके अंदर के क्लोज इनलाइन सिस्टम अगर ना हो तो वो भी उस रिस्क में आता है जो कि एरोसोलाइजेशन का रिस्क प्रोड्यूस करता है. सो सक्शन कैथेटर एट दैट टाइम इज नॉट रिकमेंडेड बाय एनी सोसाइटी. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, लाइक द क्रिकॉइड प्रेशर, शुडंट इट नॉट बी अप्लाइड एज एएचए इज रिकमेंडिंग not to use cricoid pressure in these patients? देखें, अगर क्रैक, अगर ये कार्डियक अरेस्ट का केस है, वहां पे आप डेफिनेटली, आप चूंकि तैयारी नहीं है, एक अरेस्ट सिचुएशन है, आप क्रैकॉइड प्रेशर को डेफिनेटली ओमिट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपकी एक्सपर्टीज, आपके साथ जो स्टाफ है उसकी एक्सपर्टीज है. क्रैकॉइड प्रेशर हमेशा अभी भी, डिस्पाइट मेनी स्टडीज जो भी उसके ऊपर, क्रैकॉइड प्रेशर इज स्टिल द पार्ट ऑफ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन एंड इंट्यूबेशन सीक्वेंस. सो क्रैकॉइड प्रेशर विल रिमेन, क्रैकॉइड इज पार्ट, विल बी एडवाइज. अगर आपको क्रैकॉइड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप ईज कर सकते हैं. ये भी सब कहते हैं कि आप ईज कर सकते हैं और क्रैकॉइड प्रेशर को हटा सकते हैं. एक क्वेश्चन थे अबाउट इंडक्शन एजेंट्स, इफ देयर इज हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज, वुडंट ओनली केटामिन बी सफिशिएंट, एंड व्हाई शुड वी यूज सक्सिनाइलकोलीन अलोंग विद एट्रा और सिसएट्रा, व्हाई कांट वी जस्ट यूज सक्स ऑन इट्स ओन? ओके, सो मैंने ये बताया था कि मैंने जो सजेस्ट किए थे या जो एग्जांपल्स जो जो वो किए थे वो केटामिन, और मैंने ये कहा था कि जहां कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी है, हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज है, तो आप वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करें कैटामिन और प्रोपोफॉल का. सो प्रोपोफॉल आप डोज रिड्यूस कर सकते हैं, आप कैटामिन सोली यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ आपको, कैटामिन के साथ प्रॉब्लम यह है कि सिक्रीशंस बढ़ती हैं, आपको प्रोपोफॉल की वजह से बेहतर फेरेंजियल और लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस की डिप्रेशन मिलती है. आप 0.5 मिलीग्राम पर केजी प्रोफॉल यूज कर लीजिए, बाकी 100 मिलीग्राम कैटामिन यूज कर लीजिए. सो आप वहां हैं, दिस यू हैव टू डिसाइड. बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं खुद प्रोपोफॉल की डोज को रिड्यूस करूंगा. जो बात मैंने कही थी कि सक्सिनाइल कोलीन इंट्यूबेशन के लिए यूज होगी, इसके बाद आपने इमीडिएट इसलिए फौरन देना है क्योंकि सक्सिनाइल कोलीन यूजली टाइम तो 9 मिनट है, लेकिन बाज औकात हम देखते हैं कि चूंकि रेफ्रिजरेशन और जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है, अगर वो अच्छी ना हो तो सक्सिनाइल कोलीन के बाद पेशेंट बहुत जल्दी कफ बक करना शुरू हो जाता है. इसलिए यू विल यूज सिस एट्राक्यूरियम और एट्राक्यूरियम, और अगर आप किसी ऐसे सेटअप में हैं जहां रॉक्यूरोनियम है तो आप रॉक्यूरोनियम, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए प्रिंसिपल, यूज सक्सिनाइल कोलीन फॉर इंट्यूबेशन एंड यूज इमीडिएटली दीज ड्रग्स, ताकि अब आपको प्रिपेयर करना है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है. सो इस प्रोसेस के अंदर पेशेंट कफ बक करना ना शुरू कर दे, ताकि आपको वायरल ट्रांसमिशन, वायरल लोड बढ़ने का चांस कम हो जाए. वन मोर क्वेश्चन, शुड वी यूज डिफिकल्ट इंट्यूबेशन स्केल इन रूटीन इन कोविड पेशेंट एज एन अलर्टनेस फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट? Difficult intubation scale, so that you know कि this is difficult and there shouldn't be any second attempt. बहुत सही तरह नहीं समझ पाया इस क्वेश्चन को कि difficult intubation scale से क्या मतलब है, लेकिन हमने, मैंने जैसे कहा था
कि कहीं भी आपको कोई मिनिमल से मिनिमल एयरवे असेसमेंट की बेस के ऊपर आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि इसमें कोई डिफिकल्टी हो सकती है. डिफिकल्ट इंट्यूबेशन डिफिकल्टी स्केल एक स्केल जो यकीनन लोग यूज करते रहे हैं, पहले होता है रहा है, लेकिन हम इंट्यूबेशन डिफिकल्टी स्केल अब आजकल एज ए कोई रिस्क फैक्टर्स के तौर के ऊपर यूज या असेसमेंट के तौर पे यूज नहीं करते. आप या तो एयरवे असेसमेंट के अंदर प्रॉपर आप वो देखते हैं, मैलम पट्टी, थायरोमेंटल डिस्टेंस, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस, अपर लिप बाइटस, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन इंट्यूबेशन डिफिकल्टी स्केल की एप्लीकेशन यहाँ इस वक्त इस सिनेरियो में, खासतौर पे COVID-19 के सिनेरियो में थोड़ा सा लिमिटेड वैल्यू है उसकी. Okay. एक और क्वेश्चन था कि आर एरोसोल स्टिल बीइंग जनरेटेड व्हेन अ पेशेंट इज इंट्यूबेटेड एंड ऑन वेंटिलेटर एंड शुड पीपी बी रिक्वायर्ड व्हाइल टेकिंग इवन फॉलो अप ऑफ एन इंट्यूबेटेड पेशेंट. ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैंने ये कहा था कि जब भी आप अब आपका जब आप तो वहां से इंट्यूबेट करके अगर चले गए हैं, आपका स्टाफ वहां मौजूद है, तो उस स्टाफ को वहां पे मुकम्मल तौर पे पीपीई पहनना है. और जब भी सर्किट डिसकनेक्शन किसी भी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए, किसी भी प्रोनिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए होगा, तो आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि रिक्वायर्ड है उस पेशेंट की केयर में, वो आपने जरूर पहनना है. तो एरोसोल जनरेशन हो सकती है, इसीलिए मैंने ट्रबल शूटिंग में वो सारी चीजें बताई थी कि आपने कफ प्रेशर चेक करना है, आपने मॉनिटर करनी है उसकी ट्यूब की जहां आपने फिक्स की है, ताकि आपको ये पता हो कि वहां से कहीं से लीक ना हो रहा हो और एरोसोल जनरेट ना हो रहे हो. One last question, ke what can be the possible reasons of ABGs not being internally consistent? आपकी मशीन का एरर हो सकता है, आपने सैंपल लिया, वो सैंपल बहुत देर पड़ा रह गया वहां पे काउंटर के ऊपर, उसकी वजह से आपने सैंपल लेते वक्त जो है उसके अंदर एयर ड्रॉ कर ली सिरिंज के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनल कंसिस्टेंसी इनवैलिड हो सकती है. थैंक यू डॉक्टर फैसल, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन.